आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। अर्जुन मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में 3 रोजा कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर का झीरी मेला का दौरा, बाबा जीतू के मजार पर हाजिरी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति ने मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लिया। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में 3 रोजा कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस दौरान मनोज सिन्हा ने वहां लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया, जिसमें वादी कश्मीर के नौजवानों ने अपनी इख्तिरात की नुमाइश की थी। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK Pul, कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IUST के वाइस चांसलर्स भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज झीरी मेला का दौरा किया और बाबा जीतू के मजार पर हाजिरी थी। बाबा जीतू और भवाकोटी की शहादत की याद में 10 रोजा सालाना तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, खसूसन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और UP से लाखों लोगों की मजमू देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाबा जीतू की जिंदगी और कुर्बानी पर रोशनी डाली। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति शालीन कोबरा ने आज यहां सिविल सेक्रेटरेट में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में महकमा के मौसम सरमा की तैयारियों और लॉजिस्टिक इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन, समाजी कारकुनान, तजारती तंजीमों और वुकला ने आज पार्टी के सरबरा गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आजाद ने कहा कि मजहब को सियासत से अलग करने की जरूरत है। विडोज हो गए, इतने लाखों बच्चे यतीम हो गए, इसका अंदाजा नहीं। चारों तरफ मायूसी छाई हुई, कहीं भी जाओ, वैसे तो मैं चाहे दिल्ली हो, चेतने से तो एक एक मोहल्ले और एक एक घर का पता चलता था, लेकिन उसके दिल्ली जाने के बाद भी मैं कश्मीर के तमाम मुश्किलात से बाखबर होता रहा और जब जब भी मुझे मौका मिला तो आपकी आवाज़, जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजी। मुझे अफसोस है कि 2 साल मुझे बाहर हुए तो अब कोई वो आवाज़ नज़र नहीं आती है जो कि हम हर हफ्ते कभी कभी, मुझे याद है कि कश्मीर पे कहीं अगर साल में डिस्कशन हो तो बड़ी बात होती, लेकिन मैंने हफ्ते में 3-3 दफ़ा भी कश्मीर का डिस्कशन मांगे हैं। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल एहतराम बुजुर्ग शेख सईद अब्दुल कादिर जेलानी दस्तगीर साहब की जियारत आज बांडीपुरा दरगाह में अकीदतमंदों के लिए दिखाई गई। शाही
मेयरों की कड़ी मशक्कत के बावजूद 85 किलोमीटर लंबी ग्रेज बानीपुरा सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया और रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि हालिया बर्फबारी से जिला इंतजामिया बानीपुरा ने इस रोड में ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया था। वहीं बीआरओ ने दिन रात एक करके इस रोड को काबिल आमदोरफ्त बना दिया और आज दोबारा ग्रेज से बानीपुरा के लिए एक तरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। आइए देखते हैं जहीर अहमद की ये रिपोर्ट। बानीपुरा जिला के सुंबल इलाके में ओल्ड एज पेंशनर्स मजदूर अफराद और बेवा खवातीन ने मखमा समाजी बहबूद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। क्या कुछ मुतालबात हैं उनके, आइए देखते हैं आदिल अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट में। अस रोप सास निकनस वन तीत काकज बनो अीज सूरत रोप सा दिवान सह लागव अराय कि सह लागो पानस अस ग पटवरस असा चूड़दार गा लम्बरदार अह आसाइश अंकनस वन तुम वो बंडीपुर सीमो आफिस तथे वोस लिखित गरा गु थानस पे गरा गु चंद दफ्तर पे अच्छा तूत गुजारे अच्छा ये रोप सास तरह अस लगे ये किराय कि पान अच्छा मुश्किल अम स इरफान बशीर डायरेक्टर मेडिवर्ल्ड ने डायबिटीज के आलमी दिन की पेशगी तैयारी के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मुस्तफा जमील की इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे हमारे लिए आए। तो मेन जो हमारा है 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो उसके उस बिहा पे हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है 14 तारीख को जो मंडे के दिन आता है। उस दिन हमने क्या रखा है कि ब्लड स्क्रीनिंग हमने फ्री रखी है, ब्लड शुगर कैंप जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर मेडिवर्ल्ड मेडिसिटी बाग सुंदर वाला छत्ताबल में। और इसके अलावा अगर किसी को और भी कोई टेस्ट करना है लाइक LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल जो भी, उसमें हमने 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक खानियार श्रीनगर में दस्तगीर साहब के मजार पर सालाना उर्स के अगले जुम्मा को हजारों अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की और शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के मुकद्दस आसार की झलक हासिल की। इधर सराइबल श्रीनगर में भी दस्तगीर साहब के मुकद्दस आसार की झलक दिखाई गई। रसूल करीम, सबसे पहले मैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और यहाँ के ज़िला इंतजामिया का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्तन फवक्तन इन मुतबरका में हमें अपनी खिदमत से नवाजा और अल्लाह ताला का करम है। इस आज की इस जुमे की इख्तामी तकरीब पे आपने देखा कसीर तदाद में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, वो फैजाब हो गए ज़ायरीन दीदार गौसल आज़म दस्तगीर से। जो भी यहाँ पर आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम पूरी जमात यहाँ की इंतजामिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ के उलमाए दीनों ने यहाँ के नाथ खान मुजफ्फर साहब
शफी साहब कादरी और हमारे शहदाई साहब इमाम साहब जुमला ने हम अल्लाह की बारगाह में दस्तु दुआ हो के ये दुआ की अल्लाह ताला हमारे अमाल दुरुस्त बनाए और हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अभी ईशा नमाज तक जारी रहेगा। मैं आज की डेट पर तमाम ज़ायरीन का ज़िला इंतज़ामिया का और यहाँ पर जो हमारे डी सी साहब एजाज साहब हैं और उनके साथ में बल्कि साहब और डी एस पी कंसर्न और एस एच ओ कंसर्न दो थाने जाते हैं उन सभी का और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का बिल्कुल ममदूर मशकूक जिन्होंने यहाँ पर इन अयाम मुतबरका में हमें अपने खिदमत से नवाजा। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, शब बख़ैर।